प्राचीन समय की बात है, चाइना के एक शहर में एक जैन मास्टर रहते थे। उस मास्टर के सैकड़ों शिष्य थे जो हमेशा ही सभी नियमों के पालन करते थे और सही समय पर पूजा पाठ और योगदान आदि किया करते थे। लेकिन उनमें से एक शिष्य शराबी था जो ना तो नियमों का पालन करता था और ना ही वो योगदान किया करता था। दिन बीतते जा रहे थे और मास्टर जी भी बूढ़े हो रहे थे। पूरे आश्रम में यही चर्चा हो रही थी कि मास्टर जी किसे सारे रहस्य बताएंगे और किसे अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। उन सभी शिष्यों का ये अनुमान था कि मास्टर जी अपने प्रिय शिष्यों में से किसी एक को अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। लेकिन दोस्तों, मरने से पहले मास्टर जी ने उस शराबी शिष्य को बुलाया और उसे सारे रहस्य बताकर उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। और ये बात आश्रम में किसी के गले नहीं उतरी और जल्द ही कुछ शिष्यों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। और उनमें से एक शिष्य तो क्रोधित होते हुए बोला कि कितना शर्मनाक है ये, हमने एक गलत मास्टर के लिए अपना बहुमूल्य समय बर्बाद किया, क्योंकि उसने हम जैसे गुणवान शिष्यों को चुनने की बजाय एक शराबी को चुन लिया। उस शिष्य की बात सुनते ही मास्टर जी बोले कि पुत्रों, मैं अपने रहस्य उसे ही बताता हूँ जिसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम सभी बड़े ही गुणवान हो, लेकिन तुम सब ने हमेशा ही मेरे सामने अपनी अच्छाई को ही रखा है, अपनी बुराइयों को कभी मेरे सामने नहीं आने दिया, और ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि अक्सर इन गुणों के पीछे व्यक्ति का घमंड, गर्व और हिंसा छिपी रह जाती है। और इसीलिए मैंने उस शिष्य को चुना है जिसकी बुराइयों को भी मैं भलीभांति जानता हूँ। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि यकीन हमेशा उस पर ही करो जिससे आप पूरी तरह परिचित हो, क्योंकि दोस्तों, जो सिर्फ अच्छा ही अच्छा है वो असल में बुरा है। दोस्तों, ऐसी ही इंस्पायर्ड कहानियाँ हर रोज देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।